दोस्तों नमस्कार। दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल हेड, कॉन्स्टेबल ड्राइवर और एमटीएस की कुल मिलाकर 7800 वैकेंसी खाली हैं। इनमें से कॉन्स्टेबल के लिए 4396 वैकेंसी आनी है। तो दोस्तों यहां पर देखिए इसके ऑनलाइन फॉर्म कब शुरू होंगे। काफी ज्यादा आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए काफी सारी जानकारी लेके आए हैं, काफी बातों का आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों पूरी अपडेट देखते हैं। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ध्यान से कर दीजिए, क्योंकि यहां पर हम आपके लिए दिल्ली पुलिस भर्ती से जुड़ी सही और सटीक इंफॉर्मेशन ही लेके आते हैं। और दोस्तों आपको हमें अनअकैडमी के ऊपर जरूर से फॉलो कर लेना है। अनअकैडमी के ऊपर यहां पर डेली संडे को, हर संडे को दोपहर के 12 बजे एसएससी कॉम्बैक टेस्ट होता है, और हम आपके लिए डेली फ्री लाइव क्लासेस चला रहे हैं। तो इन क्लासेस में भाग लेके घर बैठे आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी फॉलो कर लीजिए। यहां पर दोस्तों देखिए बात की जाए दिल्ली पुलिस न्यू वैकेंसी की, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एसएससी का टाइम टेबल तो दिखाई दिया था, जिसमें दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल हेड, कॉन्स्टेबल की वैकेंसी की बात कही गई थी। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए जैसे ही वो टाइम टेबल आया, उसके बाद में ये नोटिस जो आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस, यहां पर शांति सेवा न्याय फेज 2 अपकमिंग वैकेंसी सितंबर 2021, ये नोटिस काफी तेजी से वायरल हुआ है। और दोस्तों आप सभी ने भी काफी ज्यादा कमेंट्स किए, काफी सारे विद्यार्थियों ने मुझे भेजा भी है कि यहाँ पर इस नोटिस में जो 4396 कॉन्स्टेबल की वैकेंसी बताई गई है, क्या ये नोटिस सही है, और क्या आप सितंबर में ही आपकी वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक बात तो कन्फर्म है कि दिल्ली पुलिस में आपकी टोटल 7800 वैकेंसी खाली है, जिसमें से लगभग 4300 वैकेंसी कॉन्स्टेबल के लिए है। और दोस्तों जल्दी आपकी नई भर्ती आ जाएगी, आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। लेकिन दोस्तों बात की जाए इस नोटिस की, तो देखिए दोस्तों ये नोटिस कहीं से भी यहां पर ऑफिशियल नहीं लग रहा है। मैंने दोस्तों यहां पर इसको ऑफिशियली चेक कर लिया है, ये नोटिस फेक है, ये कंफर्म हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखें नोटिस देखने में शायद आपको लग रहा हो ये नोटिस कहीं से भी ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल नोटिस ऐसे नहीं होते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए ये नोटिस किसी के द्वारा ऐसे ही बनाया गया है, जिसमें भर्ती की आपकी पूरी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों बात की जाए अब आपकी वैकेंसी की कि कब तक आपके फॉर्म शुरू हो सकते हैं कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए। तो दोस्तों यहां पर देखिए 4300 कॉन्स्टेबल की जो पोस्ट है उनके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म इसी साल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों सितंबर में और अक्टूबर तक भी, ठीक है, यानी अगले लगभग 1 से 1.5 महीने तक भर्ती आने के चांसेस लगभग ना के बराबर ही हैं, क्योंकि आपकी भर्ती अभी जो पिछली वाली है वो तक कंप्लीट नहीं हुई है। यहां पर दोस्तों अभी भी आपको भर्ती के लिए लगभग 2 से 3 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन इसी साल आपकी भर्ती आ जाएगी। अगर दोस्तों बात करें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की, तो देखिए दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, और यहां पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सभी राज्यों के लिए एक समान इसमें नियम है, ऑल इंडिया की भर्ती होती है मेल और फीमेल के लिए, और आयु सीमा जनरल के लिए 18 से 25 साल है। ठीक है, यहां पर ओबीसी एससी एसटी को छूट भी दी जाएगी, यानी एससी एसटी के लिए 18 से 30 साल और ओबीसी के लिए 18 से 28 साल। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए भर्ती से जुड़ी आगे भी जो भी ऑफिशियल अपडेट होगी सबसे पहले मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन आप अपनी एग्जाम की तैयारी जरूर से जारी रखें, एग्जाम के लिए देखो आप भर्ती आने के बाद में अगर आप तैयारी करते हो तो बाद में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता। और दोस्तों एसएससी आपकी एग्जाम करवाएगी, एसएससी ही भर्ती करवाएगी, तो कंपटीशन भी काफी होगा, क्योंकि एसएससी जब फॉर्म भरवाए जाते हैं तो बहुत ज्यादा फॉर्म आते हैं। इसलिए आपको इसने कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अभी से अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है, ताकि आप उन सब विद्यार्थियों से आगे निकल जाएं। ठीक है दोस्तों, आराम से अपने एग्जाम की तैयारी रखें, जो भी वीडियो होगा, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर देना, ठीक है, और अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर लीजिए। डेली आपके लिए फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं, घर बैठे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।